क्या आपके पास बैंक में अकाउंट है और आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है और आप चाहते हैं कि मेरे पास भी एटीएम कार्ड हो, तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप ऑनलाइन एटीएम कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। स्वागत, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। चैनल सब्सक्राइब करते ही साथ में आपको क्या करना है, इस बेल के बटन को प्रेस कर लेना है। बेल के बटन प्रेस करने से ये होगा कि मैं पर डे नया नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो बेल के बटन प्रेस कीजिए, इसके बाद जो है इसको ऑल कर दीजिए। ऑल करने से ये होगा कि मैं पर डे नया नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊँगा कि अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है और आप जो है घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप से एटीएम कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको आप कैसे करेंगे। अगर जो है यही काम करवाने के लिए आप जो है बैंक में जाइएगा तो वहाँ पर भैया आपको पता नहीं कि जिस दिन जाइएगा उस दिन करेगा भी या नहीं करेगा, क्योंकि बैंक में जो है बहुत भीड़ भाड़ होता है। आप मैनेजर के पास जाते हैं और वहाँ पर बोलते हैं कि हमें एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो वो बोलता है कि भैया आप 8-10 दिन के बाद आइए, क्योंकि अभी जो है यहाँ पर काम बहुत सारा है और बहुत ज़्यादा है, तो आप जो है नंबर लगवा लीजिए, इसके बाद 8-10 दिन के बाद आइए। मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से इस वीडियो में बताऊँगा कि किस तरीके से आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप से आप नए एटीएम कार्ड के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नए एटीएम कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए अगर दुकान वाले के पास या साइबर कैफे में जाइएगा तो वहाँ पर जो भैया 150 रुपीज़ ले लेगा वो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास एटीएम कार्ड ही नहीं है। तो मैं आपको बहुत ही ईजी तरीका से बताऊंगा किस तरीके से आप जो है नए एटीएम कार्ड के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपको कहीं भाग दौड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप जो है ये वीडियो देखने के बाद आप खुद से ही नए एटीएम कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना बहुत ही ईजी तरीके से सीख जाएंगे। तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है और आप बैंक में जाते हैं तो वहाँ वो बोलता है कि आप कुछ टाइम के बाद आइए, तो आप जो है बहुत ही परेशान हो जाते हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरीके से घर बैठे आप एटीएम कार्ड के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या करना है, आपको कोई ब्राउज़र को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको डालना है SBI और यहाँ पे आ गया SBI, आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे जो है पर्सनल बैंकिंग लॉगिन वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो है आपको इस साइड में कंटिन्यू टू लॉगिन वाले पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे अपना यूजर नेम, पासवर्ड या कैप्चा आपको यहाँ पे डालना है। कैप्चा समझ में नहीं आता है तो कैप्चा को इस तरीके से रिफ्रेश करेंगे, कैप्चा यहाँ पर डालेंगे, लॉगिन वाले पे क्लिक करेंगे। लॉगिन वाले पे क्लिक करते ही आपके मोबाइल पे वन टाइम पासवर्ड आया होगा, वन टाइम पासवर्ड आपको यहाँ पर डाल देना है तो आपके उसी मोबाइल पर आएगा जो बैंक से आपका लिंक हुआ है। तो यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे, इसके बाद यहाँ सबमिट वाले पे क्लिक करेंगे। सबमिट वाले पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे जो है आपका इंटरनेट बैंकिंग यहाँ पे ओपन होके आ चुका है। अब यहाँ पे सर्विस वाले पे कर्सर रखिएगा तो यहाँ पे देखिए एटीएम कार्ड सर्विस है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट एटीएम और डेबिट कार्ड, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने में यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका यहाँ पर अकाउंट आ जाता है, अकाउंट नंबर एंड नाम, अकाउंट टाइप और ब्रांच इसी तरीके से सेम नीचे है। तो आपको क्या करना है, आपको जो है इस पर टिक कर देना है यहाँ पर, और नीचे आपको इस पर कर देना है। करने के बाद यहाँ पे देखिए कि आपको कार्ड कैटेगरी, आपको कौन सा कार्ड चाहिए, यहाँ पे डेबिट कार्ड या आपको माई कार्ड जो भी कार्ड चाहिए आपको इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जो आपके बैंक में जो आपका नाम है वो नाम आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे देखिए सिलेक्ट टाइप ऑफ द कार्ड, आपको इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे देखिए SBI पे वे इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, और यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है 4-5, तो आपको कौन सा कार्ड चाहिए आपको इसमें से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरे हमें चाहिए यहाँ पे SBI पे वे इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, तो इसको मैं क्लिक करूँगा। इसके बाद आई एक्सेप्ट पे क्लिक कीजिएगा, इसके बाद यहाँ सबमिट वाले पे क्लिक कीजिएगा। जैसे सबमिट वाले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो है आपका यहाँ से जो है जो भी अप्लाई कर यहाँ से जो है प्रोसीड हो जाएगा और आपका जो भी एड्रेस है उसी एड्रेस पे आपका जो है एटीएम कार्ड जो है आ जाएगा। आपको बैंक में जाने के, बैंक में चक्कर लगाने के या पोस्ट ऑफिस में जाके चक्कर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपके घर पे ही आपका एटीएम कार्ड आ जाएगा। तो यहाँ से जैसे बहुत ही ईजी तरीके से गया जो आप जो है
अप्लाई कर सकते हैं अपने एटीएम के लिए बिना इधर उधर भाग दौड़ किए, बिना बैंक का चक्कर लगाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैंक में जाके लंबे लंबे भीड़ लगा के मैनेजर के पास जाके है वहाँ पूछते रहते हैं कि हमें जो है एटीएम के लिए अप्लाई करना है, क्या करना पड़ेगा। तो अब जो है आप बहुत ही ईजी तरीका से घर से ही आप जो है एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं बिना इधर उधर भाग दौड़ किए, बिना बैंक के चक्कर लगाए। सो गाइस, अब तो आप सीख ही लिया होगा किस तरीका से घर बैठे अपने मोबाइल फोन से, लैपटॉप से नए एटीएम कार्ड के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।